दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RD एजुकेशन में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 18 दिसंबर की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आइए शुरू करते हैं। मंगोल शासक कबुलई खान ने 18 दिसंबर 1271 में अपने साम्राज्य का नाम युआन रखा और यहीं से मंगोलिया और चीन में युआन वंश की शुरुआत हुई। तैमूर ने 18 दिसंबर 1398 में सुल्तान नुसरत शाह को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया था। समुद्री खोजी नाविक तस्मान 18 दिसंबर 1642 में न्यूजीलैंड की धरती पर उतरा। उसी के नाम पर न्यूजीलैंड के समीपवर्ती समुद्र को तस्मानिया समुद्र भी कहा गया। अमेरिका में 18 दिसंबर 1777 में पहली बार नेशनल थैंक्स गिविंग डे मनाया गया। अमेरिकी संविधान को स्वीकार करने वाला न्यू जर्सी 18 दिसंबर 1787 में तीसरा राज्य बना। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन के पार्थिव शरीर को 18 दिसंबर 1799 में माउंट वर्नान में दफनाया गया। रूस का राष्ट्रीय गान गॉड सेव द जार 18 दिसंबर 1833 में पहली बार गाया गया। अमेरिका के जॉन ड्रेपर ने 18 दिसंबर 1839 में पहली बार किसी आकाशीय पिंड यानी कि चंद्रमा की तस्वीर उतारी थी। विलियम बॉन्ड ने 18 दिसंबर 1849 में टेलीस्कोप के जरिए चांद की पहली फोटोग्राफ ली थी। अमेरिका में पहला मवेशी आया कानून 18 दिसंबर 1865 में पारित हुआ था। अल्थानी परिवार 18 दिसंबर 1878 में कतर पर शासन करने वाला पहला परिवार बना। फील्ड मार्शल लॉर्ड रॉबर्ट्स 18 दिसंबर 1899 में दक्षिण अफ्रीका में पहले ब्रिटिश सुप्रीम कमांडर नियुक्त किए गए। इटली के प्रसिद्ध आविष्कारक मार्कोनी ने 18 दिसंबर 1902 में पहला रेडियो स्टेशन बनाया। ब्रिटेन ने 18 दिसंबर 1914 में औपचारिक रूप से मिस्र को अपना उपनिवेश घोषित किया। सोवियत रेजिमेंट ने 18 दिसंबर 1917 में फिनलैंड की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। एडवर्ड बेंस 18 दिसंबर 1935 में चेकोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति बने। जर्मनी के वैज्ञानिक और रसायन शास्त्री ओटोहेन द्वारा नाभिकीय ऊर्जा के विश्लेषण से परमाणु युग का 18 दिसंबर 1938 में आरंभ हुआ था। 18 दिसंबर 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना हांगकांग पहुंची और आम नागरिकों का कत्ल करना शुरू किया। दक्षिण अमेरिकी देश उरुग्वे 18 दिसंबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। उद्योगपति विजय माल्या का जन्म 18 दिसंबर 1955 में हुआ था। जापान ने 18 दिसंबर 1956 में संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता ग्रहण की थी। राजधानी दिल्ली में 18 दिसंबर 1960 में राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन हुआ। शनि के उपग्रह एपी मेथिल्स की 18 दिसंबर 1966 में खोज हुई थी। इंग्लैंड में 18 दिसंबर 1969 में मृत्युदंड की सजा समाप्त कर दी गई थी। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की 18 दिसंबर 1973 में स्थापना हुई थी। ऑस्ट्रेलिया ने 18 दिसंबर 1988 में महिला विश्व कप के फाइनल में इंग्लैंड को 8 विकेट से हराकर लगातार तीसरी बार खिताब जीतने की हैट्रिक बनाई। सचिन तेंदुलकर ने 18 दिसंबर 1989 में अपना पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। अज्ञात विमान ने 18 दिसंबर 1995 में पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में हथियारों का जखीरा गिराया था। भारत और अमेरिका के बीच 18 दिसंबर 1997 में अंतरिक्ष अनुसंधान में सहयोग के लिए वाशिंगटन संधि संपन्न की थी। श्रीलंका की राष्ट्रपति चंद्रिका कुमार तुंग पर 18 दिसंबर 1999 में हुए जानलेवा हमले में 25 लोगों की मृत्यु तथा 100 लोग घायल हो गए थे। हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने 18 दिसंबर 2002 में सिपिदान और लिगितान द्वीपों पर नियंत्रण के मामले में मलेशिया के अधिकार की पुष्टि की थी। कनाडा में 18 दिसंबर 2005 में गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी।
जापान ने 18 दिसंबर 2007 में इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण किया था। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का 18 दिसंबर 2008 में सफल परीक्षण हुआ था। सबसे भारी रॉकेट GSLV मार्क 3 का 18 दिसंबर 2014 में सफल प्रक्षेपण हुआ था। 18 दिसंबर 2015 में ब्रिटेन के कोयला खदान के लिंगले केलियरी को बंद किया गया। राष्ट्रमंडल कुश्ती चैंपियनशिप में 18 दिसंबर 2017 में भारत ने जीते 30 में से 29 स्वर्ण पदक। भारत के छत्तीसगढ़ राज्य की संत परंपरा में सर्वोपरि माने जाने वाले संत गुरु घासीदास का जन्म 18 दिसंबर 1756 में हुआ था। इंग्लिश क्राउन के नाम से मशहूर जोसेफ ग्रेमेल्डी का जन्म 18 दिसंबर 1778 में हुआ था। सोवियत यूनियन को महाशक्ति में बदलने वाले नेता जोसेफ स्टालिन का जन्म 18 दिसंबर 1878 में हुआ था। भिखारी ठाकुर भोजपुरी के समर्थ लोक कलाकार, भोजपुरी कलाकार, संगीतकार और सामाजिक कार्यकर्ता भिखारी ठाकुर का जन्म 18 दिसंबर 1887 में हुआ था। जर्मन चांसलर बिली ब्रेंड का जन्म 18 दिसंबर 1913 में हुआ था। एक प्रसिद्ध निबंधकार पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का निधन 18 दिसंबर 1971 में हुआ था। भारतीय राजनीतिज्ञ तथा लोकसभा के सदस्य मुकुट बिहारी लाल भार्गव का निधन 18 दिसंबर 1980 में हुआ था। सोवियत संघ के प्रधानमंत्री एलेक्सी कोजिगिन का निधन 18 दिसंबर 1980 में हुआ था। फ्रांस के जाने माने अभिनेता करार्ड ब्लेन का निधन 18 दिसंबर सन 2002 में हुआ था। तो ये थी दोस्तों 18 दिसंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं और 18 दिसंबर का इतिहास।